नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? हम सीख रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स सीख लिए थे। अब ये हमारा सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है, जो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स जो भी जोड़ने का काम करेंगे, दो वर्ड्स को जोड़े या दो सेंटेंस को जोड़े, किसी को भी जोड़ने का काम करेंगे, जब उनको क्या बोलेंगे हम? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। जंक्शन होता है ना, तो जंक्शन क्या करता है? वो भी जोड़ता है। तो ऐसे ही कंजंक्शंस क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं कंजंक्शंस होते क्या हैं। कंजंक्शन वो होते हैं जो दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही वर्ड्स को जोड़ेंगे, अगर तीन वर्ड्स हैं तो उनको नहीं जोड़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। तीन वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। तो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए मतलब मिनिमम हम दो की बात करें ऐसे, ठीक है। जैसे कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? बहुत ही बेसिक होते हैं, जो बट एंड, बिकॉज, सो, येट, अनलेस, सिंस, ऑल्सो, और, आइदर, ऑल्दो, नेदर, ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपन, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी? तो यहाँ पे देखो, टी और कॉफ़ी ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको किसने जोड़ दिया? कंजंक्शन ने, ठीक है। हमने पूछा, क्या पूछ रहा है ये कि आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफ़ी, ठीक है। या तो हमको दो सेंटेंस बोलने पड़ते हैं कि आप चाय लेना पसंद करोगे, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। जैसे बोले डू यू लाइक टी, दूसरा सेंटेंस बोलो डू यू लाइक कॉफ़ी, तो उसकी जगह मैंने क्या बोल दिया? डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। तो मैंने इन दोनों को, टी और कॉफ़ी को, किससे कनेक्ट कर दिया मैंने? और से, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, देखिए, आइदर यू कैन कम विथ अस और स्टे एट होम। या तो तुम हमारे साथ आ सकते हो या फिर घर पे रह सकते हो। तो ये क्या है? क्लॉजेज हैं। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। इन सबको जोड़ने का काम क्या कर कौन करते हैं? कंजंक्शंस करते हैं। हम इनको ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज में इनको कनेक्टिव्स भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको लिंकर्स भी बोलते हैं। तो जो लिंक बिठा दे, जो कनेक्ट कर दे, जो कंजंक्शंस, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एंड, और, बट, सो, येट, फॉर, नॉर। इनको जो बेसिकली बहुत कॉमन भाषा में फैन बॉयज़ के नाम से भी याद करते हैं लोग। फैन बॉयज़ लिखेंगे तो आपको सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद हो जाएंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो अलग अलग, जो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए होते हैं। वो कौन से होते हैं? अनलेस, सिंस, बिकॉज, आफ्टर, ऑल्दो, इफ। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये बहुत ही कॉमन है, हम सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, नेदर नॉर, इधर और, ठीक है। कनेक्टिव एडवर्ब्स ये क्या होते हैं? मोर ओवर, हैंस, देयरफॉर, हाउ एवर, इन एडिशन, ठीक है। ये एडवर्ब्स होते हैं जो कि कनेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? मैंने आपका बताया था, अगर उनको आप अच्छे एक वर्ड में याद करना चाहें इनके एक्रोनॉम से, तो वो फैन बॉयज़ के नाम से याद कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एंड। एंड जो कंजंक्शन है वो क्या करते हैं? ये दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। पीयूष इज़ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो हम ये बोलें कि पीयूष इज़ ब्रेव, पीयूष इज़ इंटेलिजेंट। तो हमने क्या बोल दिया? पीयूष इज़ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ दिया हमने? एंड से जोड़ दिया, ठीक है। सेकंड है और। आई विल गो टू मार्केट और टेम्पल। तो या तो मैं मार्केट जाऊंगी या फिर टेम्पल, तो उसमें भी मैं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर लिया हमने। थर्ड है बट।
आई कॉल हिम बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड, मैंने उसको कॉल किया लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो यहाँ पे हमने किससे जोड़ दिया इसको, बट से। सो आई हैव ड्रंक 6 कप ऑफ कॉफ़ी सो आई हैव गॉट हेडेक। देखो यहाँ पे क्योंकि मैंने 6 कप कॉफ़ी पी है इसलिए मुझे हेडेक हो गया, तो यहाँ पे किससे कनेक्टिविटी हो गई, सो से। येट आई ट्राइड वेरी हार्ड इन स्कूल येट आई एम नॉट रिसीविंग गुड मार्क्स, मैंने बहुत कोशिश करती हूँ स्कूल में लेकिन फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। फोर रिचा इज़ ओवरवेट फॉर शी ईट्स टू मैनी केक्स। अब इसमें देखो रिचा जो है वो ओवरवेट है तो उसका वो कारण बता रहा है क्यों, फॉर शी ईट्स टू मैनी केक्स, तो उसका कारण किस लिए बता रहा है, तो एक कनेक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि वो ओवरवेट है, उसका कारण क्या है कि वो बहुत ज़्यादा केक्स खाती है। नॉर दे डोंट स्मोक नॉर डू दे प्ले कार्ड्स, तो ना तो वो स्मोक करता है और ना ही वो कार्ड्स प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो गया हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत ही हमेशा आपको पैर में मिलेंगे, कभी एक सिंगल नहीं होगा, जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये हमेशा आपको किस में मिलेंगे, पैर में मिलेंगे। और ये क्या बताते हैं आपको, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंस, दो जो सेंटेंस होगा उसमें आप देखेंगे कि दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस इक्वल है। जैसे कि एज में देखिए आई वेंट टू बोथ दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, बोथ दिल्ली एंड मुंबई, तो मैं कहाँ पे गया था, दिल्ली भी गया और मुंबई भी गया, तो दोनों की इम्पोर्टेंस सेम है, दिल्ली और मुंबई की इम्पोर्टेंस सेम है ना, इसलिए वो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंस है जिसलिए उनको जोड़ देते हैं। मोना सैंग एज लाउडली एज शी कैन, तो मोना गाती है जितना लाउडली वो गा सकती है, ठीक है। आइदर यू और ही हैज स्टोलन माई बुक, या तो तुमने चुराई है या फिर उसने चुराई है, तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, दोनों क्या है यहाँ पे प्रोनाउंस है, दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। नॉट ओनली मीरा बट ऑल्सो पूजा वर्क्स हार्ड, तो ना सिर्फ मीरा बल्कि पूजा भी हार्ड वर्क करती है, तो यहाँ पे मीरा और पूजा क्या दोनों इक्वल ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रिया इज़ नेदर अ सिंगर नॉर अ डांसर, तो देखो ना वो सिंगर है ना वो डांसर, तो दोनों फिर अगेन क्या है इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो ये कौन से कंजंक्शंस हो गए हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट है व्हेन, व्हेन द डोर बेल रैंग डॉग बार्क लाउडली। यहाँ पे आपको हमेशा ये दिखेगा कि कारण एक है और जिसकी वजह से दूसरा काम हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट में देखिए द डोर बेल रैंग, ठीक है, जैसे ही घंटी बजी, जब घंटी बजी तो डॉग ने बार्क किया, मतलब कुत्ते ने भौंका लाउडली, तो इसलिए क्या हो गया, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मतलब दो सेंटेंस जो हैं वो एक जो है वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैरिड रेनकोट बिकॉज इट वॉज क्लाउडी, हम रेनकोट लेकर गए क्यों, क्योंकि बादल थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम रेनकोट लेके गए, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन क्यों लेके गए, इट वॉज क्लाउडी, क्योंकि वो क्लाउडी था। नेक्स्ट है ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, अब देखो हालांकि यद्यपि बारिश हो रही थी वी वेंट आउट, फिर भी हम बाहर चले गए। नेक्स्ट है रिहान क्लोज्ड हिज बुक आफ्टर रीडिंग द लॉन्ग स्टोरी, तो रिहान ने क्या की, अपनी बुक बंद कर दी, कब, जब वो उसने एक लंबी स्टोरी पढ़ी उसके बाद, तो यहाँ पे ये क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जो कि एक जो सेंटेंस है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, तो उन डिपेंडेंट
क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम कौन से कंजंक्शंस करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का काम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे कंजंक्शंस जो कि एडवर्ब्स होते हैं, जो ऐसे एडवर्ब्स जो कि कंजंक्शंस की तरह काम करते हैं वो होते हैं कनेक्टिव एडवर्ब्स, जो कनेक्ट करते हैं। व्हेन एडवर्ब कनेक्टिंग आइडियाज रादर देन मॉडिफाइंग वर्ड्स इट्स अ कंजंक्शन एडवर्ब। जब एडवर्ब जो है वो आपको, एडवर्ब वैसे क्या करता है, मॉडिफाई करता है ना वर्ब को, तो वो मॉडिफाई नहीं करे वर्ड्स को, वो उसकी जगह पे दो आइडियाज़ को कनेक्ट करने का काम करे, तो वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। किस क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स ऐसे एडवर्ब होते हैं। जिसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, वी हैड वेरी डिफरेंट ओपिनियंस देयरफॉर वी वेंट आवर ओन वेज। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एडवर्ब्स की तरह हम अगर कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट सेंटेंस जहाँ पे कंप्लीट होगा वहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करना है, और फिर उसके बाद जो आप एडवर्ब यूज़ करेंगे, जो कनेक्टिव जो यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको कॉमा यूज़ करना है। तो ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। जैसे वी हैड वेरी डिफरेंट ओपिनियन, हमारे जो हैं वो ओपिनियन जो थी वो काफ़ी अलग अलग थी, इसलिए हम अपने अपने रास्ते चले गए। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके बाद देखिए अब सेमी कॉलन है, उसके बाद देयरफॉर मतलब यहाँ पे इसलिए। नेक्स्ट है वी आर सपोज टू गो डांसिंग आफ्टर डिनर, हम डांस करने वाले थे किसके बाद, डिनर के बाद। हाउ एवर वी वेंट होम इंस्टीड, लेकिन हम कहाँ चले गए, अपने घर चले गए उसके बजाय। तो यहाँ पे भी आप देखिए जैसे ही सेंटेंस ख़त्म होगा उसके बाद आपको सेमी कॉलन यूज़ करना है, और उसके बाद जो कनेक्टिव यूज़ करेंगे उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब एडवर्ब्स जो हैं वो कनेक्टिव्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग फॉर एवर, हैव अ नाइस डे।